तो पहला केस अपने ऐसा ले रहे हैं कि टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाई अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के एंड इट इज गिवेन अ वेलोसिटी यू टूवर्ड्स एम टू. देन डिटरमाइन द मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग. अब बात ध्यान से सुना जाए. सबसे पहला बात यह है कि देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द मास ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज एबसेंट. ये वाला फोर्स जैसी स्प्रिंग, ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ये वाला स्प्रिंग यहां से खुलना स्टार्ट कर देगा. मतलब ये हो गया स्प्रिंग विल एक्सर्ट फोर्स इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन सच दैट द नेट फोर्स इज जीरो. तो देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग एंड मास ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. इफ इट इज सो देन वी कैन से दैट वी कैन अप्लाई सी फ्रेम. वी कैन अप्लाई सी फ्रेम. इफ वी सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग सी फ्रेम देन वी से दैट इन सी फ्रेम इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इज सेम एंड इट इज जीरो इन सी फ्रेम. तो सी फ्रेम में मोमेंटम इक्वेशन लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता. तो अपने डायरेक्टली एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं. तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ. तो अगर अपने इनिशियल एनर्जी अगर लिखते हैं तो इनिशियली द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल इज काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल बी गिवन एज हाफ म्यू मतलब एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू रिलेटिव इज यू स्क्वेयर. अगर अपने फाइनल बात करें तो वाला किसको कंप्रेस कर रहा होगा, ये खुल रहा होगा. तो हर बार ये कुछ ऐसा मोशन करना, एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करेगा. द सेंटर ऑफ मास विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देन वी कैन से दैट इट इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाई एम वन प्लस एम टू एंड वी कैन से दैट इट इज गिवन बाई एम वन यू बाई एम वन प्लस एम टू. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. बट राइट नाउ वी डोंट नीड दिस. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि जब ये सिस्टम मूव करेगा तो इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस. बोथ दी ब्लॉक्स विल ऑसिलेट. बोथ दी ब्लॉक्स विल बिहेव इन एन एब्सर्ड वे बट द सेंटर ऑफ मास विल मूव इन अ रेक्टिलिनियर पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी गिवन बाई दिस. द सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू डू एनी ऑसिलेटरी मोशन. इट इज गोइंग टू मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एम वन यू अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो वेन एवर वी आर सेइंग दैट मैक्सिमम मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान ये पास कर चुका होगा सच दैट द रिलेटिव स्पीड इज जीरो. मैक्सिमम एलोंगेशन के दौरान भी सब दूर दूर जा चुका होगा सच दैट मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड इज जीरो. तो अपने एक बात लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वी कैन से दैट द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल रिमेन इज हाफ के एक्स स्क्वायर. देर विल बी नो प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फाइनल पार्ट इन सी फ्रेम. तो इफ वी कैलकुलेट द मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन देन इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू.